किसान नेताओं ने यह कहा है कि फोन कॉल से बात नहीं बनती है। किसानों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार इस मसले पर गंभीर नहीं है। मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान देख करके देश बहुत दुखी हुआ। इस पर टिप्पणी करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि क्या तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का है। टिकैत ने यह भी कहा है कि सारा देश तिरंगे से प्यार करता है, जिसने तिरंगे का अपमान किया है उसको पकड़ा जाए। और फिर से बातचीत शुरू करने पर राकेश टिकैत ने यह कहा है कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं हो सकती। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने यह कहा है कि सरकार इस मसले पर सीरियस नहीं है और फोन कॉल से बात नहीं बनती है। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं। तोमर ने यह कहा है कि नई व्यवस्था में मंडियां प्रभावित नहीं हो रही हैं और मंडियां अब सेवा के लिहाज से अधिक प्रतिस्पर्धी और किफायती साबित हो सकेंगी। ये व्यवस्थाएं किसानों के हित के लिए समान रूप से क्रियाशील रहेंगी। और ये बातें उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार को टैग करते हुए लिखी हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के बाद बागपत में किसान महापंचायत हुई। किसान महापंचायत में नेताओं ने यह कहा है कि केंद्र सरकार से उनकी लड़ाई किसानों के हित के लिए है। और वहीं तिरंगे के अपमान के मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि पीएम मोदी योग दिवस पर तिरंगे से मुंह नाक पसीना पोंछ ले, बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगा कमल के झंडे पर फहरा ले, बीजेपी की सभा में तिरंगा ही उल्टा लटका दिया जाए, वो देश प्रेम और अनुशासन की दुहाई देते हैं, काश पीएम माफी भी मांग लेते। और वहीं पंजाब, जहाँ से ये माना जाता है कि आंदोलन की जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी शुरुआत पंजाब से हुई है, वहाँ अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 फरवरी को इस मसले को लेकर के सर्वदलीय बैठक भी बुला ली है। अठारह महीने पहले दबाव में समझौता नहीं, कंडीशन समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं, बात करेंगे, जो इशू होंगे प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है वो हमारा बीच बचाव करवावे, वो सरकार की ना बात करें, वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है, बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्होंने कॉल करा है तो उनका सम्मान रखा जाएगा। रास्ता खुला है, आप लोग जाएंगे? हमारी तरफ से रास्ता खुला हुआ है, हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशन, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। जेल से रिहा होंगे फिर बातचीत, फिर बात, ये एक कंडीशन है, कंडीशन सम्मान, क्योंकि प्रेशर में बात होगी, होता वो ना, या बातचीत हो जाए एक बार पहले, हमारी कंडीशन आ जाएगी, कुछ वो हो जाएगी तो उसमें शुरुआत हो जाएगी, वो हम कमेटी से बात कर लेंगे एक बार पहले। 26 जनवरी की भी उन्होंने चर्चा की, बोला कि देश में जो हुआ वो बड़ा दुखद और दुखद है, सबके लिए दुखद है, नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, कौन कौन लेकर गया वहां तक, मतलब लाल किले तक किसी की हिम्मत है कि लाल किले तक ऐसे पैराशूट की तरह चला जाए आदमी? उन अधिकारी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो लेकर गए। प्रधानमंत्री के कॉल का स्वागत करते हैं आप? हमने धन्यवाद कराया, प्रधानमंत्री ने पहल करी है और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने हैं और हम उनका सम्मान नहीं गिरने देंगे। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान। किसान आंदोलन पर घमासान जारी है और अब तिरंगे के अपमान को लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है लगातार। जिस तरीके से अब जो विपक्षी दल हैं वो बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं तिरंगे के अपमान को लेकर के, और बीजेपी पर साफ तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान न जाने कितनी बार बीजेपी के लोग करते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री पर भी ये आरोप लगाया गया है कि तिरंगे का अपमान प्रधानमंत्री ने भी किया है। और इसको लेकर के अब रणदीप सुरजेवाला ने जो ट्वीट किया उसमें कई फोटोज़ ऐसे हैं, कई स्क्रीनशॉट उन खबरों के भी हैं, जब जब बीजेपी के कार्यक्रमों में तिरंगे का अपमान हुआ है उन बातों को लेकर के जो स्क्रीनशॉट उसमें दिए गए हैं उसको, उसके आधार पर रणदीप सुरजेवाला ने यह मांग भी की है कि प्रधानमंत्री काश माफ़ी भी मांग लेते देश से एक बार, क्योंकि 26 तारीख को जो घटना हुई उसके लिए पूरा देश एकजुट नजर आया। और साफ तौर पर क्योंकि किसानों का ये आंदोलन चल रहा है और किसानों की वो ट्रैक्टर परेड थी तो उसका आरोप भी किसान नेताओं पर गया, जिन्होंने किसान नेताओं ने इस ट्रैक्टर परेड को बुलाया था और ट्रैक्टर परेड का आयोजन करवाया था, उसका आरोप किसान नेताओं पर जाना स्वाभाविक था। लेकिन उसके बाद जो किसान नेताओं ने बड़े खुलासे किए उसमें साफ तौर पर ये बाजी जो है वो पलटती हुई दिखाई दी और जो सारे गंभीर आरोप थे वो कहीं ना कहीं सरकार पर जा लगे, क्योंकि जिस तरीके से किसान नेताओं ने ये आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी खुद
किसान नेताओं को गुमराह कर रहे थे, किसानों को गुमराह कर रहे थे, जो ट्रैक्टर परेड पर जो लोग जा रहे थे, जो ट्रैक्टर परेड कर रहे थे, जो लोग उनको गुमराह किया गया, उनका रास्ता जो है वो डाइवर्ट किया गया पुलिस की तरफ से, और पुलिस की तरफ से लाल किले की तरफ उन्हें भेजा गया। और सिविल ड्रेस में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उकसाया किसानों को कि आप लाल किले की तरफ जाइए, और तरह तरह की बातें कह करके उनको उकसाया गया। तो इस मसले पर अब कहीं ना कहीं सियासत जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, जो 26 तारीख के बाद अचानक से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया था, किसान बहुत कम संख्या में वहां पर रह गए थे, और उसके बाद जो हुआ, जो एक ये कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश रची गई सरकार की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर, और उसके अलावा कई जगहों से किसानों को उठाया भी गया, किसानों के आंदोलन को समाप्त करवाया गया कई अलग अलग जगहों पर, तो उसके बाद जो हुआ, राकेश टिकैत भावुक हुए, और उसके बाद अब जो देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किसान आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब एक बार फिर से ये किसान आंदोलन बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। क्योंकि अभी तक ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान बड़ी संख्या में थे, लेकिन अब यूपी और हरियाणा के भी बहुत बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुँच चुके हैं। अरविंद विशिष्ट कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अरविंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए किसान आंदोलन चल रहा है, और सरकार बार बार ये बात कह रही है कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, और लगातार प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन इन कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा, और वहीं 26 तारीख को जो घटना हुई उसको लेकर के भी अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर ये आरोप लगाया गया है कि तिरंगे का अपमान बीजेपी करती रही है, काश माफी मांग लेते पीएम। जी, छब्बीस जनवरी जी हमारा गणतंत्र दिवस है, और एक भारत देश का बहुत बड़ा पर्व है। उस पर्व के दिन जो घटना घटी, मैं समझता हूँ आजाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना घटी, और इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। मुझे लगता है कि इससे पहले कभी इतनी कमजोर सरकार सत्ता में नहीं रही जितनी कमजोर सत्ता में आज मौजूदा सरकार है। किसानों के जिस तरह से लगातार आंदोलन पर अत्याचार हो रहा, आपने देखा कि इस किसानों के आंदोलन को शुरुआत से ही तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले भी जो किसान आंदोलन में आ रहे थे उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ी, पानी की बौछारें छोड़ी, और मैं समझता हूं कि अमानवीय व्यवहार लगातार किसानों के संग जारी है। मैं इस देश का किसान जिसने उस समय जीडीपी का थामा, जिस समय जीडीपी लगातार गिर रही थी, और उस जीडीपी की ग्रोथ को थामने का काम यदि किसान ने किया, वही गिद्ध दृष्टि उद्योग घरानों के नजर पड़ी, और मैं समझता हूं कि उसी को लेकर आज किसानों का हैरेसमेंट चालू हो गया। बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग किसानों को अपने चंगुल में लेना चाहते हैं, और किसान को मजदूर बनाने के काम करना चाहते हैं, और उसका साथ मौजूदा सरकार दे रही है। और ये तीन काले कानून हैं, इनके जरिए सरकार किसानों को बंधक बनाएगी और इनको मजदूर बनाकर छोड़ देगी। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि सरकार कमजोर है, लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने धैर्य रखा इसलिए लाल किले पर इस तरीके की घटना हुई, तो इसको लेकर के आखिरकार क्या कुछ समझा जाए? क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से पानी की जो सुविधा है वो रोक दी जाती है, बिजली काट दी जाती है, लाठीचार्ज भी किसानों पर किया जाता है, लेकिन लाल किले में ऐसी अमानवीय घटना और देश को शर्मसार कर देने वाली घटना घट जाती है, वहां पर सरकार का ये पक्ष है कि पुलिस कर्मियों ने वहां पर धैर्य रखा है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि पुलिस का रवैया वहां पर क्या रहा, लाल किले तक कोई किसान आसानी से नहीं पहुंच सकता था, पुलिस कर्मियों की मदद से ही वो लोग लाल किले तक पहुंचाए गए जो लोग बीजेपी के नुमाइंदे थे, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें किसी तरह से पुलिस ने रास्ता बताकर उन्हें जाने की छूट देकर लाल किले तक पहुंचाया। मैंने 26 तारीख के पहले ही ट्वीट कर दिया था कि किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए
सरकार षडयंत्र रचेगी। और अगले दिन मैंने देखा कि किसानों ने के आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने षडयंत्र रचा और लाल किले तक पहुंचाया। जिसने लाल किले पर झंडा फहराया है वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। बिल्कुल, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। मृत्युंजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज सुन रहा हूँ जी। मृत्युंजय जी, तिरंगे के अपमान को लेकर के अब सियासत होनी शुरू हो गई है और आरोप सीधा सीधा बीजेपी पर लग रहा है। बीजेपी पर ये भी आरोप है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि योग दिवस के दिन वो अपना नाक पोंछ रहे हैं, मुंह पोंछ रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं तिरंगे से। और इसके अलावा तमाम वो तस्वीरें भी साझा की गई हैं रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्विटर पर, मुझे उम्मीद आपने देखी होंगी, जहां कमल ऊपर है और तिरंगा नीचे है या फिर तिरंगे को उल्टा करके ही वहां पर तिरंगा फहराया गया। तो इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पर तेज हो गई हैं और राजनीतिक दलों ने, जो विपक्षी दल हैं आपके, उन्होंने साफ तौर पर वो अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मैंने उसी दिन कहा जी, इसकी पूरी जनता ने देखी और मैं बधाई देना चाहता हूँ खास तौर पे कि आज मीडिया के बंधुओं ने जिस प्रकार की परिस्थिति में उसी किसान आंदोलन को लेकर बार बार इस बात की चर्चा करते थे कि किसानों के विषय को लेकर सरकार को और गंभीर होनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन की आड़ में देश के मानक बिंदु को ठेस पहुंचाया गया और उसको मीडिया ने भी काफी जबरदस्त तरीके से विषय को उठाया कि आंदोलन को स्थगित नहीं देना चाहिए, आंदोलन के पीछे कौन किस प्रकार के लोग हैं जो आज देश के मानक बिंदु को भी अपना सम्मान और स्वाभिमान से नहीं देख रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जिन बातों को विषय उठाया है वो विषय महत्वपूर्ण है। सवाल ये है मृत्युंजय जी, सवाल ये है मृत्युंजय जी, देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे कहने वाले लोग, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है ये कहने वाले लोग आज ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ शरारती लोग इस तरीके की हरकत कर जाते हैं? और जब ये आरोप लग रहा है सीधा सीधा आप पर कि बीजेपी की मिली भगत से बीजेपी के अपने लोग, बीजेपी के अपने एजेंट वहां पर जाकर के तिरंगे का अपमान करते हैं ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके, आज बीजेपी अपना पल्ला क्यों झाड़ने की कोशिश कर रही है? अगर बीजेपी देश के ऐसे स्मारक को, जो देश की स्वतंत्रता की पहचान है, वहां आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकती तो पूरे देश को कैसे सुरक्षित रख सकती है? नहीं, आपको अगर वक्ता बनना है तो फिर आप ही बोलिए। मृत्युंजय जी, मैं वक्ता नहीं, सवाल उठा रहा हूं, वो सवाल उठा रहा हूं जो जनता उठा रही है। मृत्युंजय जी माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ स्टूडियो में बैठकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन किसानों के बीच में रहा भी हूँ जो वहाँ पर सर्दी में ठिठुर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, जो दवाई ले लेकर के वहाँ पर बैठे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अब मैं वक्ता बन गया हूँ, अगर यही बात आप कह रहे हैं कि मीडिया ने उठाई है, एक तरफ मीडिया अगर ये उठाता है, एक तरफ मृत्युंजय जी, एक तरफ अगर आप ये कहते हैं जो लोग झंडे को दिखा देते हैं वहां पर तिरंगा नहीं दिखाते, उसको आप ये कहते हैं कि वो मीडिया ने किया है, वो मीडिया काम कर रहा है ना, इसलिए कि मेरी बात को सुनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सुनना चाहते हैं, बल्कि ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहते हैं। मृत्युंजय जी, आप सुनाइए ना, कैसे सुरक्षित है देश? फिर आप बोलेंगे कैसे सुरक्षित है देश, बताइए। इसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, हम पूरी बात खत्म नहीं किया। मृत्युंजय जी, बताइए कैसे देश सुरक्षित है? नहीं हुआ ना, ये सही बात नहीं है। मेरी एंकरिंग पर सवाल मत उठाइए, आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, फिर मेरी बात को सुनिए, फिर आपको कॉन्ट्रेडिक्ट करना है फिर कॉन्ट्रेडिक्ट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई भाग रहा हूं क्या आपके? सीधे सीधे आरोप मत लगाइए ना, सीधे आरोप मत लगाइए, वक्ता मत बताइए मुझे। हाँ, मैं वक्ता हूँ, जनता का वक्ता हूँ मैं भाई, एंकरिंग का ये सिस्टम नहीं है, आप पूरी बात सुनो। आप वक्ता क्यों कह रहे हैं मुझे वक्ता क्यों कह रहे हैं आप? मैं हूँ वक्ता, जनता का वक्ता हूँ, वक्ता कह रहा हूँ, जनता का सवाल पूछूंगा। आप जो है वक्ता, हम लोग प्रवक्ता है, आप प्रवक्ता नहीं है, हम लोग को बोलना है ना, आप मेरी बात को सुनिए। आपको लगता है कि नहीं, आप क्वेश्चन हमको करना चाहिए, फिर मेरी खत्म बात होती है तो आप क्वेश्चन करिए, मैं जवाब दूंगा, मैं भाग तो नहीं रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनपी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन की और तिरंगे के अपमान की। मेरे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, मृत्युंजय झा भारतीय जनता पार्टी से और अरविंद वशिष्ठ कांग्रेस से मेरे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय झा जी, चर्चा से पहले आप ये बता रहे थे कि किस तरीके से देश सुरक्षित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए भी लाल किले पर कोई और झंडा फहरा दिया जाता है, दीजिए अपना जवाब मृत्युंजय जी। मैंने जिन बातों की चर्चा की है, आज माननीय प्रधानमंत्री ने जी ने ये कहा है कि किसान आंदोलन की दिशा कहाँ जा रही है। हम आज जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, मैं बार बार इस बात को हम लोग उठा रहे हैं, इस आंदोलन के पीछे एक अलग रणनीति है और केवल सरकार का विरोध करना और इसके पीछे जिस प्रकार से देश के मानक बिंदु पर ठेस पहुंचाने का काम इस आंदोलन के माध्यम से हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको आंदोलन करने का अधिकार है और सरकार ने कभी क्रश करने का काम नहीं किया, लेकिन आप अपने आंदोलन को इतना अनियंत्रित कर दें कि देश के मानक बिंदु पर का ठेस पहुंचाए। देश का आप लाल किले पर जो कर रहे थे पूरे दुनिया देख रहा था और पूरा दुनिया देख रहा था और आप किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे थे। हम तो अन्नदाता को भगवान मानते हैं और किसानों के प्रति हमारा सम्मान है, इसलिए हम कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, लेकिन देश के मानक बिंदु पर ठेस पहुंचाना ये कहां से राष्ट्र धर्म है, ये कौन सा धर्म का पालन वो कर रहे थे। सवाल यह उठता है कि आज प्रधानमंत्री जिन बातों की चर्चा करते थे उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने साफ ये कहा है कि देश का मानक बिंदु मेरा लाल किला है, वहां जिस प्रकार का प्रदर्शन है वो अशोभनीय है। आपके प्रदर्शन के इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, कभी सरकार ने कहीं मारा पीटा नहीं, कहीं हंगामा नहीं, आपके इतना बड़ा बड़ा हंगामा देश में जहां जहां हुआ है हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये सीमाएं होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। अरविंद जी, चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। अरविंद जी जो ये बात कर रहे हैं कि अन्नदाता को भगवान मानते हैं बीजेपी के लोग, तो जो बिजली काटी जा रही है, जो पानी काटी जा रहे हैं, जो पानी की जो उनको सुविधा दी जाती है उसको भी खत्म किया जा रहा है। यूपी में तो कई जगह पर ऐसा भी हुआ कि रातों रात पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसानों को वहां से खदेड़ दिया, जो सो रहे थे बेचारे उनको जाकर के उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। गाजीपुर में मैं जिस दिन गया उस दिन की बात मैं आपको बता दूं, वहां पर लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि रात को यहां से बिजली काट दी गई थी और यहां पर जो फोर्स है उसकी तैनाती कर दी गई थी। वहां पर बीजेपी के विधायक पहुंच जाते हैं कुछ लोगों के साथ, तो ये ऐसे लोग क्या अन्नदाता को भगवान मानते हैं, क्या लगता है आपको अरविंद जी? देखिए, डिजिटल इंडिया की बात करने वालों ने सबसे पहले तो वहां की इंटरनेट सुविधा बंद करा दी, दूसरी तरफ गांव वालों को भड़काकर किसानों पर पत्थरबाजी कराई और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। क्या इनके अन्नदाता की पूजा करने का यही तरीका है? जो लोग वहां पर बैठे हैं उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरदार भगत सिंह और ऊधम सिंह जिन्होंने गले में फांसी का फंदा हंसते हंसते डाल लिया था, उनके वंशज क्या आज देश के अंदर आतंक हो गए? इस बात का जवाब दें।
आज हर आदमी शाहीन बाग पर यदि आंदोलन चलता है तो वहां के लोग आतंकवादी दिखाई देने लगते हैं, पाकिस्तानी दिखाई देने लगते हैं, पाकिस्तान के एजेंट बन जाते हैं। आज यदि दिल्ली के अंदर धरना चल रहा है तो उन्हें खालिस्तानी दिखाई देते हैं, आतंकवादी दिखाई देते हैं। सरदार भगत सिंह के वंशज यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ मृत्युंजय जी, कोई भी आंदोलन शुरू आज तक इस देश में नहीं हुआ। मृत्युंजय जी, कोई भी आंदोलन शुरू हो, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उस आंदोलन में जो भी आंदोलनकारी हैं उनकी समस्याओं का निदान किया जाए? क्या यही एक रास्ता बच गया आपके पास कि हिंसा करवाई जाए, उसके बाद आंदोलन को बदनाम करके खत्म किया जाए? क्या यही रास्ता है? देश के इतिहास में यह पहली घटना है कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय कृषि मंत्री सहित बार बार इतने राउंड टेबल बैठने का काम आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी पहल है कि किसान को अन्नदाता मानते, इसलिए कई राउंड बैठकर हम लोगों ने चर्चा करके निदान करने का प्रयास किया। आज ये प्रवचन कर रहे हैं बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको नहीं काट रहा हूँ। बिल्कुल मृत्युंजय जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, उनके पास में बाद में जाऊंगा। आप ये बताइए, आप भजन कर रहे थे, खाली उमर खालिद का फोटो लगाकर आप राम भक्त कर रहे थे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले लोग, जो सुधा भारद्वाज जैसे, जो आज उन पर खालिस्तान आंदोलन को चलाने वाले लोगों का फोटो लगा हुआ बैनर, आप राम भजन कर रहे थे क्या? आपको अगर आपको अगर किसानों की बात रखनी थी, आप इस विषय को रखने का काम कई राउंड वार्ता हो रही है, वार्ता होने देते, आपका ये काम नहीं है। आंदोलन की आर में जाके लाल किले पर आप देश के मानक बंधु को ठेस पहुंचा देंगे, और आप फिर भी बातचीत करने को तैयार हैं? देश में रहने वालों की इजाजत इतनी नहीं होती है कि देश के मान सम्मान को आप ना समझे। मृत्युंजय जी, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, किसान आंदोलन को गलत दिशा देने वाले लोग इसमें शामिल हैं, आज उसकी जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसान आंदोलन में जो शामिल लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सरकार पूरी ईमानदारी से अन्नदाता के साथ है, किसानों के मसले पर सरकार हमेशा सकारात्मक रूप के साथ बात करना चाहती है, वो समाधान करना चाहती है। आखिर किसी रास्ते पर, किसी बोर्ड पर हम मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ किसानों के विषय को लेकर हमें काम करना पड़ेगा, हमके लिए सोचना पड़ेगा। हमने कई क्षेत्रों में काम खड़ा किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, किसानों की समस्या को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा करके आज हम चाहते हैं किसान आत्मनिर्भर बन पाए, हम चाहते हैं किसान सशक्त हो पाए, हम चाहते हैं कि किसानों को दोगुनी आय मिले, जिससे उनके उनके परिवार है, उनके जो घर के सदस्य है वो भी इसलिए पढ़ सके। तो ये हमारी सोच है, हम चाहते हैं कि इसको सकारात्मक वार्ता करके इसका परिणाम होना चाहिए। अरविंद जी, क्या जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतने मंत्री लगातार बातचीत करते रहे, टेबल टॉक करते रहे, आज तक अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बार बातचीत हुई हो। मुझे लगता है इतनी बार बातचीत के बाद भी ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि कोई समाधान ना निकले और बात वहीं लटकी रह जाए जहां से शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो सरकारें आई वो देश के सेवक बनकर काम किया उन्होंने, जनता के लिए काम किया उन्होंने, लेकिन इस बार जो सरकार है वो अडानी जी के लिए और अंबानी जी के लिए काम कर रही है, उसे आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, उसे किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो लगातार बार बार वार्ता के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी सुई वहीं अटक जाती है। आप कहते हैं कि 1.5 साल तक इस बिल को समझो, हम आपकी बात पर विश्वास कैसे कर लें? कि जे 15 लाख का आपने जुमला दिया था, आपने तमाम तरह के जुमला इस देश को दिए हैं, और आज प्रधानमंत्री जी ने एक और जुमला दे दिया, सिर्फ एक कॉल पर सरकार वार्ता को लिए तैयार है, ये कौन सा जुमला है? जी मृत्युंजय जी, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात की जाए, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर जिस तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है किसानों के प्रति, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अन्नदाता हमारे भगवान है, एक तरफ आप जब आंदोलन के लिए अगर किसान बैठते भी हैं, और चलिए ठीक है मान लेते हैं आप जो कानून लाए वो उनके फायदे के लिए है, अगर आप उनको वो कानून नहीं समझा पा रहे और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, MSP पर गारंटी कानून की उनको ज़रूरत है, वो आप नहीं दे पा रहे, तो आप उनको मुफ्त में ही कोई और कानून क्यों दे रहे हैं? आप उनको वो दीजिए जो उनको ज़रूरत है, जो वो मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं दे रहे आप? देखिए, अभी हमारे मित्र बैठे हैं, जिन बातों की चर्चा कर रहे थे, अडानी और अंबानी की बात कर रहे थे, ये 3 तालाक अडानी के लिए है,
धारा 370 समाप्त हुआ ये अडानी के लिए है, 35 से समाप्त हुआ ये अडानी के लिए है, एनआरपी की बात हुई अडानी के लिए है। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, अडानी अंबानी के अलावा। चले ठीक है मृत्युंजय जी, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है इसीलिए ये सत्ता में भी नहीं है। आपके पास क्या एजेंडा है मृत्युंजय जी? विपक्ष पर सवाल मत उठाइए ना, विपक्ष पर सवाल उठाएंगे तो जनता ने आपको मौका दिया वो चूक जाएंगे आप। विपक्ष ने बातों की चर्चा की है, उस चर्चा जवाब देना भी जरूरी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, विपक्ष पर आपने पहले सवाल उठाया इसीलिए आप सत्ता में हैं, और अब भी अगर विपक्ष पर ही टीकरा फोड़ते रहेंगे क्योंकि एक योजना आपकी चली गई। किसानों की बात की आपने जी, आपको ये पता होना चाहिए कि देश में पहली बार किसानों के फसल का न बीमा हमने किया, बल्कि फसल लगाने से पहले हमने बीमा करने का काम किया। ये पहले बार इतिहास में हुआ, इस सरकार ने किया कि आप फसल लगाएंगे, फसल जो भी लगाएंगे उसका भी बीमा, अगर फसल में अगर आपका समाप्ति हो जाता है तो भी आपको पैसा पूरा मिलेगा। ये पहली बार इस सरकार ने किया। दूसरी बात, पूरे किसान को साल भर में सर मेरा सवाल ये खरीदने में भारी दिक्कत होती है, साल में 6,000 रुपए 2,000 रुपए देने का। अब सर मैं वही मैं पूछ रहा हूँ, एक तरफ आप अन्नदाताओं को भगवान मानते हैं, किसानों को फ्री में चावल दाल और मृत्युंजय जी एक तरफ आप किसानों को भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ आप लट बजवाते हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने किया है, जो बड़े बड़े कदम उठाए, किसानों के हित के लिए कदम उठाए। मैं वही कह रहा हूँ, बड़े बड़े कदम उठाए हैं, एक तरफ भगवान मान रहे हैं दूसरी तरफ लट बजवा रहे हैं किसानों पर। चलिए बहुत शुक्रिया मेरे साथ मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अन्नदाता हमारे भगवान है, और दूसरी तरफ जो हकीकत देखने को मिल रही है जहां पर भी किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर उन पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, उनके लिए पानी की जो सेवा है उसको भी बाधित किया जा रहा है, पानी भी रोका जा रहा है, बिजली भी काटी जा रही है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों को प्रताड़ित करने का काम जरूर किया जा रहा है। लेकिन जो कह रहे हैं कि अन्नदाता हमारे लिए भगवान है, उनकी समस्या का समाधान निकालते हुए सरकार फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। राष्ट्रधर्म में बस इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?